दाई तरफ के क्रैंक केस के 7 बोल्टों को 8 mm डीप सॉकेट से खोलें। अब क्रैंक केस के दोनों भागों को विशेष टूल क्रैंक केस सेपरेटिंग टूल की सहायता से अलग करें। क्रैंक केस सेपरेटिंग टूल को इस प्रकार लगाएं कि इसकी आर्म्स क्रैंक केस के समानांतर हों और क्रैंकशाफ्ट कंपोनेंट बाएं क्रैंक केस में रहना चाहिए तथा इसका सेंटर बोल्ट ठीक प्रकार से क्रैंकशाफ्ट पर बैठा हो। अब शिम को निकालें। क्रैंक केस के बाएं भाग की तरफ से क्रैंक केस सेपरेटिंग टूल को लगाएं। क्रैंक केस सेपरेटिंग टूल को इस प्रकार लगाएं कि इसके आर्म क्रैंक केस के समानांतर हों तथा इसका सेंटर बोल्ट ठीक प्रकार से क्रैंक शाफ्ट पर बैठा हो। अब क्रैंक शाफ्ट असेंबली को निकालें। क्रैंकशाफ्ट बिग एंड के साइड क्लीयरेंस की जांच करें। इसका सर्विस लिमिट 1 mm होना चाहिए। यदि इससे कम या ज्यादा हो तो क्रैंकशाफ्ट को बदल दें। अब बेयरिंग को बेयरिंग रिमूवल टूल से बाहर निकालें। सुनिश्चित करें कि टूल ठीक प्रकार से कसा हो तथा इसका सेंटर बोल्ट ठीक तरह से क्रैंकशाफ्ट पर बैठा हो। सभी बियरिंगों के अंततः तथा बाहरी सतह की जांच करें तथा सुनिश्चित करें कि कोई नॉइज ना हो। क्रैंकशाफ्ट ऑयल सील को क्रैंक केस के बाएं भाग से ऑयल सील पंच की सहायता से निकालें।